ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह फिनिश टुडे दिस टॉपिक अबाउट मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो वी हैड डिस्कस डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइडियाज दैट आर रिलेटेड टू वाओ व्हाट इज साइंस एंड हाउ इट फंक्शंस। एंड वी स्टार्टेड विद द मोस्ट नाइव कंसेप्शन ऑफ साइंस। And we have also discussed the most recent ones like those of Fairbairn. And there are discussions beyond Fairbairn which are related to science as a means of rhetoric. And ye rhetoric ka matlab ye hota hai ke matlab art of speak, you know, art of speech jise kehte hain aap, guftugu karne ka ek tarika aur persuade karne ka आर्ट जो होता है। तो साइंस को इन मानों में आर्ट ऑफ यानी परसुएट कहा जाता है कि ये जिस तरह हम किसी को अपनी तरफ या अपनी बात की तरफ रागिब करने के लिए बहुत सारे तरीके या हथकंडे जिन्हें आप कहना चाहिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह साइंस भी एक हथकंडा है। अकली गुफ्तगु करके हम किसी को अपनी तरफ रागिब कर लेते हैं, क्योंकि लिसन टू अस, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, व्हाट वी आर सेइंग इज वेरी genuine and different and all the way. You see, this is probably something very different and unique. तो इस तरीके से जब हम साइंटिफिक लैंग्वेज में गुफ्तगू करते हैं तो बहुत ज़्यादा दूसरे को अट्रैक्टिव मालूम होती है और वो ज़्यादा यानी अथॉरिटेटिव महसूस होती है, जिसकी वजह से अगला बंदा हमारी हर बात मान लेता है। बता दीजिए समझ में। तो इन इन मानों में कहते हैं कि साइंस इज मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी साइंस में स्टोरीज सुनाई जाती हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में आपको स्टोरी सुनाई जाती है कि एक यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग एजेंट होता है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एजेंट होता है। फिर जब वो यूटिलिटी और प्रॉफिट को इस तरह से मैक्सिमाइज करता है तो उसके नतीजे में फिर बेहतरीन माशरा बनता है। तो दिस इज ऑल स्टोरी, जस्ट लाइक स्टोरी ऑफ टार्जन, है ना, where some part of the story is true while rest of the part is fallacious in the sense that it is not something that exists out there, but the part which basically explains something has become so attractive to the people that everything else has also been accepted, hai na, galat ke sath sahi, sahi ke sath galat mila kar jo hai kahaniyan banayi jati hain, aur wo part jo story ka jo ठीक होता है वो कबूल कर लिया जाता है, और उसके साथ जो कचरा साथ आता है वो भी साथ ही कबूल किया जाता है फिर इस सारे प्रोसेस के अंदर। और जाहिर है कोई भी ऐसी स्टोरी तो नहीं होती जो 100% गलत हो, हर स्टोरी में कुछ ना कुछ ट्रूथ तो जरूर होगा, चाहे वो टार्जन की स्टोरी ही क्यों ना हो, क्योंकि टार्जन की कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी होते हैं वो सब इंसानों जैसे ही होते हैं, वो इंसानों जितना ही लंबा होता है वैसा ही उसका जिस्म फर्ज किया जाता है। इसी तरीके से उसकी स्टोरी में और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी बिल्कुल रियल होते हैं, कोई बंदर होता है, कोई हाथी होता है, शेर होता है ना, दीज आर ऑल रियल कैरेक्टर्स, दरख्त होते हैं, है ना, ये सब कुछ हकीकत में मौजूद है। तो ये तमाम बातें जो हम टार्जन की स्टोरी में फर्ज करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है ज़मीन में, टार्जन को इवेंचुअली छलांग लगाने के बाद एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर कोई शाख या उसका तना या कोई इस तरह पकड़ना पड़ता है वरना वो गिर जाएगा। यू सी व्हाट आई मीन? So all the story of Tarzan is based on so many factual things as well, but still the overall story is false. We know that there was no person in the world who was Mr. Tarzan, है ना? तो factual किसी चीज किसी story में कुछ facts का होना इसका सबूत नहीं होता कि वो सारी story ठीक है। ये भी मुमकिन है कि पूरी story झूठ पर मबनी हो, बावजूद ये कि उसमें कुछ facts भी हो। तो बहरहाल यानी एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, इसको इस इन मानों में कहते हैं कि, बल्कि एक किताब है आप अगर सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगी, मैक्लॉस्की की रेटरिक ऑफ इकोनॉमिक्स, द रेटरिक ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का जो कहानी है स्टोरी टेलिंग की वो क्या है। तो एलर्जू क्लैमर और मैक्लॉस्की, दीज आर द टू पीपल हु हैव डेवलप्ड दिस आइडिया एज ऑफ मोस्ट रिसेंटली। इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली रेट्रिक है, एक जैसे मार्क्सिस्ट हजरात का अपना एक रेट्रिक है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का अपना एक रेट्रिक है ना, जिस तरह पाकिस्तान में अब आपको लगेंगे बहुत सारे रेट्रिक्स आए दिन डेवलप होते हैं कि जी इस तरह करके जिंदगी गुजारो, इस तरह गुजारो। तो हर कोई अपने अपने तरीके से लोगों को काबू करने की
कोशिश करता है. तो इन अदर वर्ड जो है साइंस अकॉर्डिंग टू दिस व्यू इज अ मेथड ऑफ ट्रैपिंग पीपल, यानी अगर हम ज्यादा वल्गर लैंग्वेज यूज करें तो ये है, मतलब लोगों को घेरने का तरीका है ये. कहानी सुनाओ, घेरो, घेरू तरीका है और कुछ भी नहीं. यानी ये समझना है कि ये कुछ फैक्ट्स वगैरह होते हैं. बिलखसूस सोशल साइंस के ऊपर तो ये बात 99.99% दुरुस्त है. दीज आर ऑल रेटरिक्स, डिफरेंट स्टोरीज दैट वी आर टेलिंग टू द पीपल सो दैट दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अस. तो ये एक और लाइन है साइंस को देखने की, जो आप देख सकते हैं इस कोर्स के अलावा भी. एनी हाउ, सो वी हैव सीन दैट इकोनॉमिक्स इज बेसिकली मोर लाइक ए पैराडाइम, नॉट लाइक ए पॉजिटिविस्टिक और फॉल्सिफिकेशनिस्ट प्रोजेक्ट एज डिस्कस्ड अर्लियर. इन नाउ फॉल्सिफिकेशन, यानी फॉल्सिफिकेशनिज्म है भी तो पैराडाइम के अंदर है, न्यू क्लासिकल वे के अंदर. आप इकोनॉमिक्स जब करते हैं तो आपके सामने ये आता है कि अच्छा ये हाइपोथेसिस निकल आया है, इस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हैं. लेकिन ये हाइपोथेसिस जो ग्रैंड नैरेटिव है इकोनॉमिक्स का, यूटिलिटी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसको आप कभी भी क्वेश्चन नहीं करते. उसके अंदर रहते हुए सारी ये एम्पिरिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. तो इन मानों में यानी इकोनॉमिक्स पैराडाइम है, उसके अंदर फिर ये रिजेक्शन एक्सेप्टेंस का एक तरीका है. एक सब हाइपोथेसिस दूसरा हाइपोथेसिस के ऊपर कभी हम प्रेफर कर लेते हैं किसी डेटा सेट की बुनियाद पर वगैरह वगैरह. तो अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें जो आपने उस पेपर में भी देख लिया होगा जो आपके साथ शेयर किया गया था, एक टिपिकल इकोनॉमिक थ्योरी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है ना. देयर आर प्रीसपोजिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये नॉन रिफ्यूटेबल होते हैं. यानी साइंस इकोनॉमिक थ्योरी के जो ओवरऑल मकासद हैं वो तो नॉन टेस्टेबल होते हैं और नॉन रिफ्यूटेबल होते हैं. यानी इंडिविजुअल अकेला है, वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है और जिंदगी में ज्यादा मजे करना चाहता है, उसकी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं. ये तमाम वो गुफ्तगू है जिसको इकोनॉमिक्स कभी भी चैलेंज नहीं करती. हाँ, आप इसके अंदर आ जाते हैं फिर देन देयर आर असम्पशंस, क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो इस तरह का होता है कि वो रिफ्लेक्टिव प्रेफरेंसेस होती हैं उसकी. फिर जो है वो एक्सियम्स और भी जो आपने पढ़े हुए हैं, ट्रांजिटिविटी, ये वो. फिर जो है बेस्ड ऑन ऑल दोज टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस एंड एक्सियम्स ऑफ प्रेफरेंसेस यू डिराइव सर्टेन टेस्टेबल प्रोपोजिशंस, के मसलन डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है. इसी तरह आप मैक्रो थ्योरी में जाते हैं तो वहाँ आप मैक्रो मॉडल्स की अजम्पशन लिख कर कुछ टेस्टेबल प्रोपोजिशंस निकाल लेते हैं कि जी का और आउटपुट का क्या रिलेशन है, मनी सप्लाई का और आउटपुट का क्या रिलेशन है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. और फिर उसके नतीजे में आप कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशन ड्राइव कर देंगे. थ्योरी हमें ये बता रही है कि दिस इज व्हाट शुड बी डन. ये जो तीनों एस्पेक्ट होते हैं ये आप इनको टेस्ट कर सकते हैं, अजम्पशन को क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने जो आपके हाइपोथेसिस होते हैं टेस्टेबल उनको आप टेस्ट कर लेते हैं. पॉलिसी रिकमेंडेशन जो है उनकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वाकई इस पॉलिसी से वो नतीजा निकलता है या नहीं निकलता है जो हम चाह रहे हैं वगैरह वगैरह. जैसे कभी आप देखते हैं कि पाकिस्तान में टैरिफ लगाने से कुछ होता है या नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है नहीं होता. तो बाय कंडक्टिंग सच स्टडीज यू आर बेसिकली टेस्टिंग द पॉलिसी रिकमेंडेशन और इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी रिकमेंडेशन. इफ दिस एफर्ट बेसिकली एंड्स अप इन कंफर्मेशन यू यूज द पॉलिसी एंड अप्लाई इट, एंड इफ इट फेल्स देन फिर हमें कोई बहुत क्लियरली मालूम नहीं होता कि हम क्या करें. जाहिर है फिर अजम्पशन भी चेंज की जा सकती है, हाइपोथेसिस भी चेंज हो सकता है, डेटा भी चेंज हो सकता है, या मुमकिन है पॉलिसी ही ठीक नहीं हो. पीपल आर इरेशनल सो वी नीड अ डिफरेंट पॉलिसी टू टैकल विद देम, है ना. तो ये उसी की आगे जो है वो मिसाल अब जो मैं बोल चुका हूँ मैंने यहाँ पर डिमांड थ्योरी से दे भी दी है. तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो ह्यूमंस आर सेल्फ इंटरेस्टेड एंड यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, देयर प्रेफरेंस, देयर यानी गोल इज टू मैक्सिमाइज एज मेनी वांट्स एज पॉसिबल, इनको कोई यानी अगर आप इन पे सवाल उठा देंगे ना तो जाहिर है इकोनॉमिक्स का तो पूरा मॉडल बेकार जाएगा. मैक्सिमाइजेशन विल बी प्योरली यूजलेस एक्टिविटी अगर आप कहें कि नहीं इंसान को अपनी जिंदगी में ज्यादा मजे करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए. अरे ये बात समझ में कोई जरूरत ही नहीं है, थोड़े दिन की जिंदगी है बस, कम से कम ख्वाहिशें हैं पूरी करो और बस मर जाओ ताकि जन्नत में जाओ. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप देखें, उनके घर का कभी आप सामान देखें तो आज के जो गरीब लोग हैं जिनको आजकल के स्टैंडर्ड में हम गरीब कहते हैं उनसे भी कम सामान था अल्लाह के रसूल के घर में.
वो भरा रहा हूँ, मतलब ये कि बेहतरीन जिंदगी, इसी तरह बहुत सारे सहाबा का भी यही हाल था और वो इस तरह जिंदगी गुजार के चले गए। दैट इज द बेस्ट मॉडल, कि आसान, कम से कम कपड़े, कम से कम खुराक, कम से कम नींद है, ये अपनी जो जाती अगराज हैं दुनिया को इस्तेमाल करने के लिए इसको कम से कम सतह पर रखना, ये डिजायरेबल है। अंबिया की जिंदगी है तो ऐसे ही है और कुरान मजीद ने इसको बेस्ट मॉडल का। वो और बात है कि हमसे अमल नहीं कर होता और हम सब जो है कमजोर हैं उसमें, लेकिन मॉडल तो हम कहते हैं यही है, दिस इज आइडियल। और अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो इस चीज को पहचानता जा रहा है कि ये जो हमारा तरीका है जिंदगी गुजारने का, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ मैक्सिमम डिजायर्स, दिस इज नॉट कंपेटेबल विद द ऑन्टोलॉजी ऑफ द यूनिवर्स, है ना। कायनात के वजूदियाती साख्त के साथ हम आहंग नहीं है ये ख्वाहिश। और जब हम इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं तो हम पोल्यूशन और एनवायरनमेंट को तबाह करते हैं, और इस तरह से तबाह कर रहे हैं कि वो अब रिपेयरेबल भी नहीं रहा, है ना। इररिपेयरेबल नुकसान पहुंचा चुके हैं हम एनवायरनमेंट को। तो एनवायरनमेंट का इवेंचुअली आप देख लीजिएगा, जल्द या बदेर आखिरी हल यही निकलेगा कि सादा जिंदगी गुजारो भाई, फर्श पे बैठ के खाना खाओ ताकि कम लकड़ी कटे, और उसके लिए टेबल कुर्सी बनाने की जरूरत आपको कम रह जाए, हाथ जो है वो हाथ से खाना खा लो, हाथ से खाना खाओ धो लो उसी को, टिश्यू पेपर की जरूरत नहीं है, टिश्यू पेपर के लिए लकड़ी चाहिए होती है वो कट रही है। पैदल सफर, पैदल ज्यादा से ज्यादा जो है सफर करो, साइकिल चलाओ, यू नो आई मीन। फ्रिज अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, वैसे भी डॉक्टर्स कह रहे हैं फ्रिज आने से जो है वो दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं जो है, और शुगर बढ़ गई है, क्योंकि एक्सेस ऑफ फूड जो है ऑल द टाइम जो हमारे पास मौजूद होता है खाना, कि बस दरवाजा खोला और फ्रोजन फूड निकाला और खा लिया, तो दिस इज नॉट गुड फॉर लाइफ। अगर आपको जब एफर्ट करना पड़ती है खाना पकाने के लिए, तो आप इंसानों की तरह दिन में 2 ही दफा पका के खाते हैं, लेकिन हर वक्त पड़ा हुआ है, फ्रिज बच गया है वो भी फ्रिज में गया और निकाला खाया, तो फ्रिज तो अच्छा नहीं है। वैसे भी फ्रिज जो है एनवायरनमेंट को भी खराब करता है, गैस जो है उसके अंदर से निकलती है, वो जो उसका चलने का निजाम है वगैरह वगैरह। इसी तरह कार तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन कार से होता है। तो आप देखेंगे कि सूनर और लेटर ये दुनिया में मूव आएगी कि एनवायरनमेंट को खत्म, यानी जो थ्रेट्स हैं इसको खत्म करने का वाहिद तरीका यही है कि आसान सादा जिंदगी गुजारे हैं, सिंप्लिसिटी। और उस वक्त आप देखिएगा लोग कहेंगे कि हाँ देखा, ये तो हमारे अंबिया ने भी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई थी ये बात कि सादगी से जिंदगी गुजारनी चाहिए, और फिर उस वक्त लोग जो है ये बातें ला ला के दिखाएंगे। अभी अगर आप किसी को कहेंगे ना कि भाई ये सादा जिंदगी दिस इज डिजायरेबल, तो वो अभी आपके पीछे पड़ जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा तुम तरक्की के दुश्मन हो, तुम ये चाहते हो कि हम तरक्की ना करें, तो भाई ठीक है फिर करो तरक्की और रोते रहो। मतलब ये कि जितनी आप इस तरीके से तरक्की करेंगे उसके नतीजे में तो इन्वायरमेंट को आप तबाह कर रहे हैं, एंड यू हैव, अब इंसान को एटलीस्ट, ह्यूमंस हैव बिकम अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि इस तरीके की जिंदगी से जो है वो कायनात नहीं बचेगी। और एक एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि अगर एक एवरेज यूरोपियन जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करता है, अगर दुनिया के हर शख्स को वो आपने देने की कोशिश की, तो इस दुनिया से बराबर 6 और दुनिया आपको चाहिए। इस दुनिया में जितने रिसोर्सेज हैं इसने और 6 दुनिया हो, तब आप हर शख्स को वो जिंदगी अफोर्ड करवा सकते हैं जो एक एवरेज यूरोपियन अफोर्ड करता है। ऑफ कोर्स दिस इज, मतलब यूरोप की तो आप देखें आबादी थोड़ी है, दुनिया की अक्सरियत आबादी तो रह रही है ये एशिया के अंदर, 2/3 पॉपुलेशन तो यहाँ है, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, आप देखें इंडोनेशिया, ये सारी बड़ी बड़ी पॉपुलेशन तो सारे यहाँ हैं, बांग्लादेश, यूरोप की तो टोटल दुनिया की पॉपुलेशन का वो तो बिल्कुल 1/3 से भी कम है, बल्कि 1/4 से भी कम है। तो इट मीन्स कि ये जो जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश है, ये तरीका, ये कायनात के स्ट्रक्चर से हम अहम तो नहीं है। तो अभी आप इकोनॉमिस्ट के सामने सवाल उठाएंगे, वो कहेगा ऐसे बेकार की बातें करते, तरक्की नहीं होगी। और जाहिर है अगर इस गुफ्तगू को कबूल कर लिया जाए तो देन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज यूजलेस फॉर अस, वो किसी काम की नहीं है। देन वी नीड अनदर पैराडाइम अबाउट हाउ टू लिव अवर लाइफ, व्हाट इज द ऑप्टिमल वे, व्हाट इज द बेस्ट वे वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये जो है वो
इकोनॉमिक्स की पैराडाइम के जो क्वेश्चन हैं वो कभी भी इकोनॉमिक्स थ्योरी नहीं उठा सकती, यानी थ्योरी कभी भी अपनी पैराडाइम को क्वेश्चन नहीं कर सकती जिसके ऊपर वो कंस्ट्रक्ट हो रही होती है। ओके जी, सो ये गुफ्तगू हम पहले भी एक दो दफा कर चुके हैं तो मैं इसको अब रैप अप करना चाह रहा हूँ जल्दी से। बेसिकली यही है कि इकोनॉमिक्स की जो अंडरलाइंग आइडियाज हैं वो यही है कि इंसान सेल्फ डिटरमिंड है और दुनिया में ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिशें पूरी करना ये उसका मकसद है। इसको इसी को वैलिडेट करते रहना ये है इकोनॉमिक्स का असल में कमाल। यानी ये वही है कि मैं अपना एक मकसद सेट करूं और उस मकसद को हासिल करने की कोशिश में कामयाब होता जाऊं तो मैं कहूं देखो मैं कामयाब हो रहा हूं ना। यानी कामयाबी का पैमाना यही है कि एक गलत मकसद सेट कर लो फिर उसको हासिल करते जाओ और उसको हासिल करने की एबिलिटी बढ़ाते जाओ, कहो मैं देखो मैं कामयाब हो गया इसका मतलब मैं ठीक हूं। लेकिन मकसद को हासिल करते रहना ये सही होने की कोई दलील नहीं होती, एंड मुमकिन है कि आपका मकसद ही गलत हो। देन नो मैटर हाउ मच यू आर बिकमिंग केपेबल ऑफ अचीविंग योर एंड और योर गोल स्टिल यू मे बी परफेक्टली रॉन्ग व्हाइल यू आर परफेक्टली एबल टू अचीव योर गोल। ओके, फिर जो है वो इकोनॉमिक्स को फिजिकल साइंसेस की तरह समझा जाता रहा है या जाता है अब भी, ये भी गलत है क्योंकि जाहिर है इकोनॉमिक्स में उस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल नहीं है जिस तरह की फिजिकल साइंसेस में। लेकिन मैं फिलहाल इसको गुफ्तगू को छोड़ रहा हूँ एंड आई वांट टू मूव टू इंस्ट्रूमेंटलिज्म। वन ऑफ द पेरेनियल क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इकोनॉमिक थ्योरी हैज बीन इट्स अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। यानी इकोनॉमिस्ट बेसिकली बिल्ड अप देयर थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियम्स एंड असम्पशंस विच आर नोन टू बी फॉल्स और एटलीस्ट इनएप्रोप्रिएट। तो इस बुनियाद पर इकोनॉमिक्स के बारे में हमेशा एक अनसेटिस्फैक्शन पाई जाती रही है कि भाई आप जब ये कहते हैं कि जी एक जो है वो इंडिफरेंस कर्व होता है जिसको सामने रखकर एक शख्स यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है और दैट इज हाउ वी मेक चॉइस। प्रॉब्लम ये है कि रियल वर्ल्ड में लोग ऐसे चॉइस नहीं करते। इसी तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो आपने मॉडल बनाया है एक प्रोडक्शन फंक्शन होता है और वो उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए बजट कंस्ट्रेंट जो होती है उसके साथ रख के सॉल्व करते हैं, वहां से एक सप्लाई कर्व निकल आता है। इन रियलिटी फर्म्स डू नॉट चूज आउटपुट बाय इक्वेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। इफ यू एवर गो टू एनी फर्म एंड आस्क देयर मैनेजर व्हाट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड वेयर इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व सो दैट आई कैन लोकेट द चॉइस दैट यू आर मेकिंग ऑफ योर आउटपुट सो दे विल बी सिंपली सरप्राइज्ड एट योर क्वेश्चन। तो ये जो सारी गुफ्तगू रही है इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर वो ये रही है कि ये अनरियलिस्टिक है। यानी द वे इकोनॉमिक थ्योरी सेज दैट पीपल मेक चॉइसेस, पीपल एक्चुअली डू नॉट मेक चॉइसेस लाइक दैट। उस तरह से लोग अपनी चॉइस नहीं कर रहे होते। तो इसके जो जवाब में जो गुफ्तगू डेवलप की फ्रीडमैन ने मेथडोलॉजी ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के नाम से उसका एक आर्टिकल है, वो आप लोगों ने डाउनलोड करना है, मिल जाएगा और उसको पढ़ना है। मेथडोलॉजी ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मैं उसका जस्ट आपके साथ यहां शेयर किए लेता हूं कि वो कहता क्या है उसमें। उसकी इस आर्गुमेंट को समझने के लिए हमें समझना होगा इंस्ट्रूमेंटलिज्म को। इंस्ट्रूमेंटलिज्म या नॉमिनलिज्म करीब करीब की गुफ्तगू है। इंस्ट्रूमेंटलिज्म का आइडिया ये है कि थ्योरीज आर मेंट टू एक्सप्लेन थिंग्स इन द सेंस, या यू समझ लेंगे, थ्योरीज आर मेंट टू एक्सप्लेन थिंग्स। ठीक है, पहली बात, यानी थ्योरी का क्या मकसद होता है, वी वांट टू एक्सप्लेन अ फेनोमेना, ये कैसे हो रहा है। अच्छा, वो कैसे हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो तस्वुरात हम इस्तेमाल करते हैं
वो तस्वुरात जरूरी नहीं है कि बाहर मौजूद हों, बल्कि वो हमारी जहन की साख से निकाले हुए कुछ अल्फाज होते हैं। सो अ गुड थ्योरी इज नॉट व्हाट दैट एम्प्लॉयज कंसेप्ट दैट आर आउट देयर, बल्कि अ गुड थ्योरी इज वन दैट इज एबल टू प्रिडिक्ट फिनोमेना। यानी अच्छी थ्योरी वो नहीं होती जिसके अंदर मैं ऐसे तस्वुरात को इस्तेमाल करूं जो हकीकत में मौजूद हों, बल्कि अच्छी थ्योरी वो होती है जो मुझे ऑब्जर्वेशन में नजर आ रहा हो उनको प्रिडिक्ट कर दे कि हाँ अब ये होगा फिर वो होगा। तो जिस थ्योरी की प्रिडिक्टिव पावर अच्छी हो, कि जो थ्योरी से प्रिडिक्शन निकले कि इफ एक्स देन वाई, तो और रियल वर्ल्ड में वाकई ही चीजें उस तरतीब से हमें होती हुई दिखाई दे रही हो, वो थ्योरी ज्यादा अच्छी है। यानी इट इज द प्रिडिक्टिव पावर ऑफ ए थ्योरी दैट मैटर्स, नॉट द रियलिज्म ऑफ इट्स असम्पशंस। यानी उसकी असम्पशंस का रियल होना ये कोई कंडीशन नहीं है अच्छा होने के लिए थ्योरी के। इन अदर वर्ड्स वो यूं कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते फिजिक्स में कि ग्रेविटेशनल फोर्स है बाहर और हमने किसी तरीके से इसको वेरीफाई कर लिया है, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स का तस्वुर हमारे जहन का एक ख्याल है जिसके जरिए से मैं गिरती हुई चीजों को एक्सप्लेन करने के काबिल हो गया हूं। बस क्या वाकई ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर मौजूद है ये तो मैं नहीं वेरीफाई कर सकता कभी भी, ना छू सकता हूं, ना देख सकता हूं, ना सूंघ सकता हूं, है ना। बस ये तो एक तस्वुर है मेरे जहन का जिसके जरिए से चीजों के गिरने के प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करता हूं या उनकी मूवमेंट के खास पैटर्न को एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो इन दिस सेंस थ्योरीज आर मेयरली इंस्ट्रूमेंटल, दे आर नॉट रियल, दे आर इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। अच्छा, अब अगर इस गुफ्तगू को मैं और थोड़ा पैचीदा करूं तो नॉमिनलिज्म की असल में ज्यादा गहरी गुफ्तगू ये है। अच्छा, पहले ये समझें कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिज्म। इंस्ट्रूमेंटलिज्म का ऑपोजिट है रियलिज्म। रियलिस्ट हजरात जो हैं उनके ख्याल में अच्छी साइंटिफिक थ्योरी सिर्फ वो नहीं होती जो चीजों को प्रिडिक्ट कर सके, बल्कि अच्छी साइंटिफिक थ्योरी वो होती है जो रियल कंसेप्ट्स को अपने थ्योरी के अंदर इस्तेमाल करे। सो थ्योरी must imply concepts that are real in the sense that they exist out there or their descriptive truth is basically something real. yani aisa nahi hona chahiye ki main kuch farzi tasavvurat ko istemal karke agar predictions generate kar lu to main kahun ye bahut achhi theory hai, बल्कि अच्छी थ्योरी वो है जो डिस्क्रिप्टिव भी होती है, सिर्फ प्रिडिक्टिव नहीं होती। यानी उसकी प्रिडिक्टिव पावर ही अकेली मैटर नहीं करती, बल्कि उसकी डिस्क्रिप्टिव पावर भी मैटर करती है, इन द सेंस के थ्योरी दैट थ्योरी इंप्लाइज कंसेप्ट दैट आर रियल। ठीक है, दैट यानी रियलिटी को भी वो टेक फॉर अकाउंट फॉर करती है, ना ये कि बस एक मॉडल बना लिया जो जिसमें कुछ फर्जी तसव्वुरात इस्तेमाल करके मैं कहूंगा अच्छा जो हो रहा है वो मैं इससे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंटलिज्म कहते हैं कि अच्छी थ्योरी और बुरी थ्योरी का फैसला इससे नहीं होगा कि उसके अंदर जो तसव्वुरात इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो रियल है या नहीं है, बल्कि अच्छी थ्योरी वो होती है जो प्रिडिक्ट कर सकती हो, डेटा को एक्सप्लेन कर सकती हो, दैट्स इट। जबकि रियलिस्ट हजरात का ख्याल यह है कि नहीं, अच्छी थ्योरी वो होती है जो रियल कंसेप्ट्स को भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करती है। अच्छा, नॉमिनलिज्म की वो जिस गुफ्तगू की तरफ मैं जाना चाह रहा था, मैं उस तरफ नहीं जा रहा क्योंकि उस तरफ अगर हम चले गए तो गुफ्तगू बहुत फैल जाएगी। वो गुफ्तगू का सिर्फ मैं आपको एक टेस्ट देने के लिए एक एग्जाम्पल दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। नॉमिनलिज्म का दावा यह है कि फॉर्म्स जो होती है ना, फॉर्म्स, फॉर्मल और यूनिवर्सल कंसेप्ट्स, दे डू नॉट एग्जिस्ट आउट देयर, दे एग्जिस्ट इन द माइंड, दे आर द क्रिएशन ऑफ आवर माइंड। क्या मतलब इस बात का?
मतलब ये है कि उनका कहने का कि जो चीज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ पार्टिकुलर्स होते हैं, यूनिवर्सल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ हॉर्स, घोड़ा। अब ये बताएं घोड़ा क्या होता है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं घोड़ा क्या होता है, तो आपके जहन में एक खास फॉर्म वाला, खास शक्ल व शबाहत वाला या ये वाली एक चीज आपके जहन में आ गई कि एक ऐसी चीज जिसकी चार टांगे हैं, उसकी एक गर्दन है यूं करके खास तरह की है, फिर उसकी एक मुंह है आगे, नाक आखिर में आगे है, नाक है, दो सुराख हैं, दांत होते हैं, है, मुंह होता है, फिर यूं उसके सर के पीछे कान भी होते हैं, और फिर उसका एक धड़ होता है, फिर पीछे एक पूंछ होती है ना, यू सी व्हाट आई मीन, और एक खास साइज भी हमारे जहन में आ गया। अब अगर मैं आपके सामने घोड़े की या डिस, और फिर उसके कोई रंग वगैरह भी होते हैं, कोई काला भी हो सकता है, कोई सफेद भी हो सकता है, रंग बिरंगा भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये घोड़े की जो डिस्क्रिप्शन, जितनी मैंने फीचर्स आपके सामने अभी बोले हैं, इन तमाम फीचर्स को सुनने के बाद आपके जहन में आ रहा घोड़ा, लेकिन मसला गधा भी यही चीज है, ये सारे फीचर्स गधे के ऊपर भी फिट आ रहे हैं। तो अब आपसे अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन घोड़ा एंड गधा, तो कोई आप कोशिश करेंगे ऐसा फीचर लेकर आए जो घोड़े को गधे से अलग कर दे। आप इस तरह सोचते चले जाएं, पॉइंट ये है कि जो घोड़ा, जिसे मैं घोड़ा हॉर्सनेस कहता हूं, घोड़ापन, ये चीज होती है, वो चीज कहीं बाहर नहीं होती। बाहर जो एग्जिस्ट करता है वो एक खास शक्ल व शबाहत रंग वाला एक घोड़ा, लेकिन मेरे जहन में जो घोड़ा है उसके अंदर कोई रंग नहीं है। यानी जब घोड़े का तस्वर सोचने के लिए रंग का तस्वर लाजमी नहीं है। यानी अभी जब मैंने बोला घोड़ा है तो आपके जहन में आया काला या लाल या सफेद, नहीं, ये सब रंग के होते हैं। तो आपके जहन में जो घोड़े का तस्वर है वो रंग से मावरा एक फॉर्म है। इस फॉर्म की चीज घोड़ा होती, इररिस्पेक्टिव ऑफ के उसके कलर्स के हैं। लेकिन मसला यह है कि जो हकीकत में घोड़ा है वो घोड़ा नहीं है जो मैंने अपने जहन में सोचा था बगैर रंग वाला। बाहर तो हर घोड़ा जो होगा वो रंग के साथ होगा। तो जो चीज बाहर एग्जिस्ट करती है वो पर्टिकुलर्स ऑफ द यूनिवर्सल्स दैट आर इन आवर माइंड वो होते हैं। ये बसल में बहुत पुराना मसला रहा है, यानी यूनानियों के यहाँ ये बहस थी। तो इस मसले को उन्होंने, यानी वो यही सवाल था कि ये यूनिवर्सल्स कहाँ से आ गए? घोड़ा एक यूनिवर्सल कैटेगरी है, ये तो कहीं नहीं एग्जिस्ट करती, ये तो सिर्फ दिमाग में। तो उसका मसला हल करने के लिए एक बड़े उसके बंदे ने कहा कि असल में दुनिया दो है, दो आलम है। अगर आपने से किसी ने थोड़ा फर्क, वो कहते दो आलम, एक आलम मिसाल है और एक आलम हकीकी है। आलम मिसाल वो है जहाँ हर चीज अपनी आइडियल शक्ल के अंदर मौजूद है, एक आइडियल घोड़ा है जो वहां है, और वो आलम मिसाल से मेरे जहन में ये घोड़े का तस्वर है, और उसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो है वो इम्परफेक्ट फॉर्म के अंदर बाहर मौजूद है। तो उन्होंने इस मसले को यूं हल करने की कोशिश की थी। यानी प्रॉब्लम ये है कि जिसको मैं घोड़ा अपने जहन में घोड़ा रिकग्नाइज करता हूँ, और हकीकत में ऐसा कोई घोड़ा बाहर मौजूद नहीं है। हकीकत में सब इम्परफेक्ट घोड़े होंगे, जो उस तरह के घोड़े की तरह नहीं होंगे जो मेरे जहन ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है बहुत सारे घोड़ों को देख कर, उसके अंदर से एक एसेंशियल तस्वर कि घोड़ा नाम की जो कैटेगरी है दैट मीन्स दिस, बट द मोमेंट यू विल ऑब्जर्व इट यू विल नॉट फाइंड दैट पर्टिकुलर जनरल कैटेगरी विच इज इन योर माइंड। तो इन मानों में कहते हैं कि एग्जिस्टेंस जो है वो पर्टिकुलर्स की होती है, यूनिवर्सल्स की नहीं होती। यूनिवर्सल्स डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर मेयरली एब्स्ट्रैक्शंस क्रिएटेड बाय माइंड। अब अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन, इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स और हर गेंद, हर वो चीज जो मैं बोलकर थ्योरी में इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, वो चीजें बाहर नहीं होती। बाहर तो एक खास तरह की चीज, मतलब गेंद क्या, आप कहेंगे गोल चीज, फिर आपके जहन में कलर नहीं आया, लेकिन गेंद के अंदर कलर्स होते हैं, उसकी फॉर्म होती है, प्लास्टिक की होती है, लोहे की होती है, लेकिन जहन में जो गेंद का तस्वर है उसमें ना लोहा है ना प्लास्टिक है, वो एक फॉर्म है। तो जब मैं कंसेप्ट यूज करता हूँ
तो एब्स्ट्रैक्टेड यूनिवर्सल कंसेप्ट यूज कर रहा होता हूं और वो एग्जिस्ट नहीं करते बाहर, तो इसका मतलब मैं एब्स्ट्रैक्टेड यूनिवर्सल कंसेप्ट को यूज करके रियल वर्ल्ड को सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो रियलिस्ट हजरात के ऊपर उनकी तनकीद ये है कि माइंड के जो कंसेप्ट हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट आउट देयर, दे आर सिंपली द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड। अलबत्ता इसके जवाब में पलट के वो ये कहते हैं कि ये जो माइंड ने जो एब्स्ट्रैक्शंस क्रिएट की हैं ये बहरहाल हकीकी दुनिया से ही मुतल्लिक है, यानी घोड़ा था तभी जहन में कोई आइडियल घोड़ा मौजूद है, दुनिया में गधे हैं तो इसीलिए दिमाग में कोई आइडियल एक फॉर्म ऑफ गधा है जिसके जिसके साथ मैं चीजों को वैलिडेट करता हूं। अगर मैं आपके सामने एक हाथी लाके फर्ज करें मैं अफ्रीका चला जाऊं और अफ्रीका वाले मुझे बताएं एक ऐसी चीज का नाम गधा बताएं जो लोमड़ी की तरह का हो, तो मैं तो नहीं मानूंगा ना, मैं कहूंगा भाई ये गधा थोड़ी होता है, गधे का तो ये मतलब है, लेकिन हो सकता है वो कहें ये भी गधा होता है और वहां जाके मुझे पता चल जाए कि मेरे जहन में जो गधे का एक यूनिवर्सल कंसेप्ट था वो फॉल्स है। बहरहाल तो ये पेचीदा बहस है कि इसको आप अगर पढ़ना चाहते हो दिलचस्पी हो तो देख सकते हैं, नॉमिनलिज्म वर्सेस रियलिज्म व्हाट इज, मतलब ये कि आपको बहुत कुछ मवाद मिल जाएगा कि इनके दरमियान बहस क्या है। वो बहस इसी चीज की है कि पर्टिकुलर्स और यूनिवर्सल्स ये यानी इनके दरमियान कैसे रिलेशन, यानी हाउ डज आवर माइंड अप्रिशिएट यूनिवर्सल्स, ये कहाँ से यानी इंसानी दिमाग बनाता है और इस तरीके से इंसानी दिमाग एक्सट्रैक्ट करके जो यूनिवर्सल्स क्रिएट करता है क्या वो वाकई रियलिटी के मुताबिक होते हैं या उसमें इंसानी दिमाग सिस्टमेटिकली एरर भी करता है। तो बुनियादी तौर पर ये बहुत पेचीदा बहस जाके यहाँ जुड़ती है कि हमें चीजों का इल्म कैसे होता है, हाउ डू वी नो थिंग्स। तो इवेंचुअली जाके राज ये खुलता है कि हमें तो यही नहीं पता कि हम चीजों को जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, हमें तो इसका भी पूरा इदराक नहीं है, इतना कम इल्म है मेरे पास कि मैं अगर अपने ही इल्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आई फेल टू एक्सप्लेन इट। मैंने हाँ, तो दिस इज बेसिकली इंस्ट्रूमेंटलिज्म। तो फ्रिडमैन ने इंस्ट्रूमेंटलिज्म की इस थ्योरी को यूज करके इस क्रिटिसिज्म का जवाब देने की कोशिश की जो किया जाता था कि जी इकोनॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन फॉल्स और एटलीस्ट अनरियलिस्टिक असम्पशंस। फ्रीडमैन सिंपली प्रेजेंटेड द आइडिया दैट रियलिटी और रियलिज्म ऑफ असम्पशन इज ए टोटली इररिलेवेंट कंसेप्ट टू इवेल्युएट एनी थ्योरी। अ गुड थ्योरी इज नॉट वन दैट इज रियल, रादर अ गुड थ्योरी इज वन दैट हैज गुड प्रेडिक्टिव पावर। तो गुड अच्छी थ्योरी को हम उसकी रियलिस्टिक असम्पशंस की बुनियाद पर टेस्ट नहीं करते, उसकी प्रिडिक्टिव पावर की बुनियाद पर टेस्ट करते हैं, दैट्स इट। तो अब उसने जो है वो अब देखें अल्टीमेट गोल ऑफ ए पॉजिटिव साइंस इज टू डेवलप इज द डेवलपमेंट ऑफ ए थ्योरी और हाइपोथेसिस दैट यील्ड्स मीनिंगफुल और वैलिड प्रिडिक्शंस अबाउट फिनोमेना नॉट येट ऑब्जर्व। ये होता है मकसद, प्रिडिक्शंस जनरेट करना। थ्योरी इज टू बी जज्ड बाय इट्स प्रिडिक्टिव पावर। द ओनली रेलेवेंट टेस्ट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ ए हाइपोथेसिस इज द कंपैरिजन ऑफ इट्स प्रेडिक्शंस विद एक्सपीरियंस, डेटा के साथ उसको मिला के देखो क्या रियलिटी में वो ऑब्जर्व हो रहा है जो थ्योरी कह रही है या नहीं। यानी अगर फर्ज करें प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड हकीकत में हमें कम होती हुई नजर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि लोग यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं, ये इस तरीके से वो इन्फर कर रहा है। यानी ये कहना कि मैं जाके ये चेक करूं कि क्या लोग यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं नहीं करते और उनसे सीधा पूछना शुरू कर दूं, दिस इज एन इररिलेवेंट वे ऑफ टेस्टिंग अ थ्योरी अकॉर्डिंग टू मिस्टर फ्रेडमैन। उसके ख्याल में अजम्पशंस की जो क्रिटिसिज्म है ये इररिलेवेंट है, अजम्पशंस आर सिंपली इररिलेवेंट अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, तो उसके ख्याल में फिर वो ये ब्लेड प्लेट वाली जो है बड़ी इसकी मशहूर एग्जाम्पल है वो देता है कि अगर आप किसी बिलियर्ड के प्लेयर से जाके ये पूछें कि तुम ये जो बॉल पॉट करने लगे हो ये कैसे जाएगी तो ही विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट बट ही कैन पॉट द बॉल। लेकिन अगर आप उसकी थ्योरी लिखना शुरू कर दें और एक कंप्यूटर गेम बनाएं जिसका मकसद ये बताना हो कि बॉल कैसे पॉट होती है तो आप जाहिर बात है बहुत सारे फिजिक्स के कंसेप्ट मैथ्स के कंसेप्ट को इन्वोक करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर
दो बॉल्स के दरमियान इतना डिस्टेंस हो और जिस बॉल को पॉट होना है वो इतने इस एंगल पे हो उस गोल दायरे के जिसके अंदर उसने जाना है, और वो वाइड बॉल को अगर मैं इतनी फोर्स के साथ हिट कर दूं और वो इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल करे गिवन दी फ्रिक्शन ऑन द सरफेस, और वो इस एंगल पे जाके बॉल को हिट करे और सामने वाली बॉल इतनी वेलोसिटी के यानी इतनी न्यूटन पावर के साथ उसको जाके हिट करे और वो इतनी पावर पे लगने के बाद इस एंगल से चले तो बॉल पॉट होगी। तो जाहिर है ये सारे कंसेप्ट्स अब आप देखें इसमें ट्रिग्नोमेट्री और फिजिक्स आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप जाके पूछें किसी बिलियर्ड के प्लेयर से कि बॉल कैसे पॉट होगी, ही विल बी सिंपली अनएबल टू एक्सप्लेन इट, उसको नहीं पता, बट लेकिन वो बॉल पॉट कर देगा। तो अब फ्रीडमैन सवाल पूछेगा कि क्या इसका यानी जो बंदा है जो एक्सपर्ट है बिलियर्ड का, अगर उसको ये सारा फिनोमेना नहीं पता कि बॉल कैसे पॉट होती है, डज इट मीन कि ये सारी गुफ्तगू बेमानी है? वो कहेगा हरगिज भी नहीं, बल्कि ये सारी गुफ्तगू बेमानी है एज लॉन्ग एज इट एक्सप्लेन्स दैट द बॉल गेट्स पॉट। तो ये कहना कि क्योंकि लोगों को पता नहीं है उनका इंडिफरेंस कर्व होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि उनकी एक बजट लाइन होती है, और क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि उनका एक टेंजेंसी पॉइंट होता है, लिहाजा ये पूरी गुफ्तगू बेमानी है। ब्रियट कह सॉरी फ्रिडमैन कहेगा कि ये क्रिटिसिज्म इस चीज का इजहार है कि द क्रिटिक डज नॉट नो व्हाट इज अ गुड थ्योरी। अच्छी थ्योरी वो थोड़ी होती है जो रियल कंसेप्ट्स को एम्प्लॉय करके एक्सप्लेन करती है और प्रिडिक्ट करती है, बल्कि अच्छी थ्योरी वो होती है जो प्रिडिक्ट कर लेती है, और अगर उसकी प्रिडिक्शंस वैलिड हो तो वी हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड टू अस्यूम दैट द आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्रिडिक्शंस आर जनरेटेड दे आर वैलिड। आ रही है ना बात समझ में? तो वो ये कह के निकल जाता है, यानी उसके कहने का मतलब ये है कि जो चीज मैटर करती है वो रियलिज्म ऑफ असम्पशंस नहीं है बल्कि वो है प्रिडिक्टिव पावर। तो उसके ख्याल में एसिफ एसिफ असम्पशन जो है ना, दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू कैरी ऑन विद एनी टाइप ऑफ थ्योरी, कि अगर के फर्म्स को नहीं पता होता कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं, लेकिन वी शुड अस्यूम एज इफ दे डू दिस, गोया के वो यही कर रहे हैं, एज इफ कंज्यूमर्स मैक्सिमाइज यूटिलिटी। तो ये जो एज इफ मेथडोलॉजी है ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का हॉलमार्क है, कि हम मॉडल इस बुनियाद पर खड़ा करेंगे कि गोया लोग ये करते हैं, फिर उस मॉडल की प्रिडिक्शन को रियलिटी से वैलिडेट कर लेंगे, और अगर वो वैलिडेट हो जाता है तो गोया ही हकीकत है, यूं छलांग लगेगी कि हकीकत वही है जो मैंने गोया कह के फर्ज की थी, एज इफ के अंदर कह के फर्ज की थी, क्योंकि रियलिटी को जज करने का इसके अलावा कोई तसव्वुर है नहीं। यानी उनके ख्याल में द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ एनी थ्योरी इज इट्स प्रेडिक्टिव पावर, नॉट चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ और ट्रूथ स्टेटस ऑफ इट्स असम्पशन। ये स्ट्रॉन्ग और अहम बात समझने की है, यानी वो फ्रिडमैन ये कहता है कि असम्पशंस आर नॉट ट्रू और फॉल्स, यानी थ्योरीज की जो असम्पशन होती हैं वो ट्रू फॉल्स नहीं होती कि जिनको मैं वेरीफाई कर लूंगा रियलिटी के साथ, बल्कि असम्पशंस आर ओनली यूजफुल इन द सेंस दैट दे एनेबल अस टू प्रिडिक्ट। तो वो यूजफुल तो होती हैं, ट्रू फॉल्स नहीं होती। हर वो सेट ऑफ असम्पशंस जिनकी बुनियाद पर मैं एक ऐसी थ्योरी बना लूं जो मुझे प्रिडिक्ट करने के लायक बना दे, वही हकीकत है। हकीकत इन मानो में नहीं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी को हम इसलिए मानते रहेंगे इसलिए नहीं कि मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को बराह रास्त वैलिडेट कर लिया है एक्सपेरिमेंट के जरिए, बल्कि उस मॉडल से जो प्रेडिक्शन निकलती है वो सारी डेटा से वैलिडेट होती हुई नजर आ रही है। तो उनके ख्याल में आप थ्योरी की डायरेक्ट टेस्टिंग कभी भी नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली ही टेस्ट होती है थ्रू देयर प्रेडिक्टिव पावर। हेंस The whole criticism is rendered basically irrelevant by Mr. Friedman using this instrumentalism. अच्छा, अब जाहिर है इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। पहला मसला जो है वो ये है कि
अगर हम ये मान भी लें कि प्रिडिक्टिव पावर होना थ्योरी की ये कोई स्ट्रेंथ है, अगर हम फ्रिडमैन की बात मान लें, तब भी इकोनॉमिक थ्योरी फेल्स वेरी बैडली ऑन इट्स ओन स्टैंडर्ड। यानी अगर अच्छी थ्योरी का मैयार यही है कि वो उसकी प्रिडिक्टिव पावर होती है, भाई मसला ये है इकोनॉमिक थ्योरी की तो प्रिडिक्टिव पावर बहुत ही कम है, ये मसला है। आए दिन जो है वो बड़े बड़े रिसेशन और डिप्रेशन आते हैं, इकोनॉमीज डूब जाती हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, लोगों को बेतहाशा नुकसान हो जाता है और इकोनॉमिक थ्योरी फिर भी वैसी की वैसी चलती रहती है। तो अगर इकोनॉमिक थ्योरी की प्रेडिक्टिव पावर इतनी ही अच्छी है भाई, तो व्हाई इकोनॉमिक थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन एनी कैटास्ट्रोफ है, वो बता क्यों नहीं पाती हमें कोई कैटास्ट्रोफ कोई आने वाली है हमारे ऊपर, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। व्हाई इकोनॉमिक थ्योरी इज सिंपली फेलिंग एवरी टाइम, ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बहुत बड़ा रिसेशन आ जाता है तब इकोनॉमिस्ट को पता चलता है ओहो ये हो गया। तो ये तो वही बात है कि मतलब ये जो सैलाब वगैरह आते हैं, सैलाब आके चला जाए तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ये कहे कि सैलाब आ गया, ओके देखो मेरी प्रेडिक्टिव पावर कितनी अच्छी है। भाई प्रेडिक्टिव पावर तो ये होती है ना आप पहले बता दें। तो इकोनॉमिस्ट व्हाई डू दे फेल इन प्रेडिक्टिंग सच मेगा इवेंट, ये कोई छोटा इवेंट नहीं है ना, ये तो बहुत बड़ा इवेंट है। तो अगर इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो इतनी ही उसकी प्रेडिक्टिव पावर है, तो कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1900 की दहाई के बाद से लेकर अब तक आए हैं 125 साल में तकरीबन, उसमें से कोई एक भी प्रेडिक्ट नहीं कर सके न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, कोई भी नहीं कर सका। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेडिक्टिव पावर नहीं है ना थ्योरी की, अपने ही स्टैंडर्ड जिससे खुद को बचा रहे हो वो उस पर भी पूरा नहीं उतर रहे, पहला फ्रॉड तो ये है। अच्छा दूसरा मसला ये है कि इकोनॉमिस्ट यानी बजाहिर फ्रीडमैन ये कह रहा है कि व्हाट रियली मैटर्स इज नॉट असम्पशंस बट द प्रेडिक्टिव पावर, है ना, यही है ना उसकी दावत, व्हाट रियली मैटर्स इज प्रेडिक्टिव पावर। लेकिन हकीकत में न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऐसे बिहेव नहीं करते, यानी पहला मसला तो ये था कि अपने मयार पर पूरा नहीं उतरते, उनकी थ्योरी अपने मयार पर पूरा नहीं उतर पाती। दूसरा मसला ये है कि अपने इस मयार के मुताबिक अमल भी नहीं करते, खुद अमल भी नहीं करते, और वो इन मानों में कि अगर आप कोई ऐसी थ्योरी लिखें जो न्यो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल असम्पशन और पैराडाइम के मुताबिक ना हो, तो जाहिर है आपके जो न्यो क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाले वो आपकी बात ही नहीं सुनते, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए ऐसा पेपर। पेपर जो आपके मेन स्ट्रीम बड़े बड़े जर्नल्स हैं उनमें आप पेपर्स लिख के भेजें किसी और पैराडाइम के मुताबिक, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो नहीं मानते, वो कहते हैं जी हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के फ्रेमवर्क में लाओ। यही वजह है कि केन्स के ऊपर सबसे बड़ा एतराज ये था कि इट हैज नो माइक्रो फाउंडेशंस। भाई अगर आपको कोई मसला ही नहीं है कि व्हाट असम्पशन समवन इज यूजिंग, व्हाट रियली मैटर्स टू यू इज ओनली प्रेडिक्शंस, व्हाई आर यू सेइंग दैट योर थ्योरी लैक्स माइक्रो फाउंडेशन? माइक्रो फाउंडेशन इज मेयरली अ कंसेप्ट, इट्स सिंपली असम्पशन, व्हाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन असम्पशन? वो बेचारे कैनेडियंस को कह कह के न्यूक्लासियन इकोनॉमिस्ट ने लाके सारी माइक्रो फाउंडेशन केन के पीछे खड़ी कर दी, और इवेंचुअली नतीजा ये निकला कि केन्स जो है वो न्यूक्लासिकल इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा पुर्जा बन के रह गया। केन्स की इकोनॉमिक्स की पूरी स्ट्रेंथ ही उन्होंने उड़ा के रख दी माइक्रो फाउंडेशन देते 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 देते। क्यों आप लोगों को कहते हैं कि यू डू नॉट हैव माइक्रो फाउंडेशन व्हेन यू आर सेइंग दैट व्हाट मैटर्स इज द रिजल्ट्स प्रेडिक्शंस नॉट द अजम्पशंस? लेकिन आप जो है वो क्रिटिसिज्म इसी बुनियाद पे करते हैं, इसका मतलब है अजम्पशंस रियली मैटर टू यू। आ रही है ना बात समझ में? ये वो बात है जो मार्क ब्लॉक कहता है, मार्क ब्लॉक की ये किताब है मेथोडोलॉजी ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, वो बड़ी शानदार किताब है, उसमें उसमें डिस्कस किया कि इकोनॉमिस्ट का ख्याल ये है कि हम बिहेव करती है हमारी साइंस लाइक फॉल्सिफिकेशनिस्ट थ्योरी, लेकिन जो है वो कहता है कि इकोनॉमिस्ट डू नॉट एक्ट व्हाट दे प्रीच, ठीक है, यानी इकोनॉमिस्ट डू नॉट डू व्हाट दे प्रीच।
जिस चीज की वो तबलीग करते हैं अमलन उस पर वो खुद अमल कर नहीं रहे होते, उसके उलट अमल करते हैं। अच्छा, चौथी जो इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है, तीसरी को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ असम्पशंस की बातें हैं, ये हमने पढ़ ली है पहले कि कंज्यूमर थ्योरी इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं है, मार्केट का मॉडल इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये वो उस गुफ्तगु से मुतल्लिक है कि अगर हम आपकी सारी गुफ्तगु मान लें तब भी आपकी थ्योरी क्या प्रॉब्लम है, कि असम्पशंस कम से कम इंटरनली कंसिस्टेंट तो होनी चाहिए ना, ये तो कम से कम मयार है किसी भी इलम का। ठीक है, चौथा वो रियलिज्म की तरफ से है कि थ्योरी अच्छी वो होती है जो रियल भी हो, लिहाजा मैं उसको छोड़ रहा हूँ, वो हमने पहले कर ली। पांचवी और आखिरी बात जो है वो हम इसको डिस्कस करके खत्म करना चाहते हैं, वो मसग्रेव का क्रिटिसिज्म है। 1981 ही बेसिकली प्रोड्यूस्ड अ क्रिटिक ऑफ फ्रीडमैन। उसने कहा कि भाई बेसिकली फ्रीडमैन ने गलती ये की कि उसने तीन अलग तरह की असम्पशंस को एक ही कैटेगरी के अंदर लंप करके अपनी गुफ्तगू डेवलप की है। व्हाट आर दोस थ्री टाइप्स ऑफ असम्पशंस? नंबर वन, he calls them negligibility assumptions. A negligible assumption वो होती है कि if you drop that assumption, the results of the theory do not change very significantly. And because the assumption has very little impact on the results of your theory, that is why it is called simplifying or negligible assumptions. कई दफा हम अपना मॉडल सॉल्व करते हुए छोटी छोटी assumptions लगा रहे होते हैं इसलिए ताकि जरा सिंप्लीफाई हो जाए, लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं ताकि नॉन लीनियर से मैथमेटिक्स करना मुश्किल हो रही होती है। तो बहुत सी दफा हम सिंप्लीफाइंग assumption लगाते हैं इसलिए कि हमें पता होता है कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन लूंगा तब भी नतीजा यही निकलेगा, लेकिन एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। तो बहुत सी दफा हम ऐसी assumption सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि कम से कम एफर्ट से ज्यादा नतीजा निकाल सकूं, पारजी मनी जिसको कहते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नेग्लिजिबल असम्पशंस। ऑन द अदर हैंड देयर आर डोमेन असम्पशंस। डोमेन असम्पशंस वो होती हैं कि इफ यू चेंज दोज असम्पशंस द रिजल्ट्स ऑफ द थ्योरी चेंज ऑल टुगेदर, अनलाइक नेग्लिजिबल असम्पशंस कि अगर मैं उन्हें तब्दील करूं तो रियलिटी डेटा जो थ्योरी से जो आउटकम निकलता है वो बदलता नहीं है। लेकिन डोमेन असम्पशंस वो होती हैं कि अगर मैं उनमें से कोई एक असम्पशन गिरा दूं तो थ्योरी ही फिर कहती है कि फिर ए आउटकम नहीं होगा बी आउटकम होगा। जैसे हमने कंज्यूमर थ्योरी में देखा था कि अगर हम ये असम्पशन ना लगाएं कंज्यूमर की टेस्ट पर कि टेस्ट इज होमोथेटिक तो फिर डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप नहीं रहता। इसका मतलब है जो होमोथेटिसिटी की असम्पशन है वो डोमेन असम्पशन है ना के सिंप्लीफाइंग असम्पशन। अ डोमेन असम्पशन इज वन विच यू चेंज इफ एट ऑल देन द आउटकम विद द थ्योरी प्रोड्यूसेस और द प्रिडिक्शन दैट द थ्योरी प्रोड्यूसेस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो जो डोमेन असम्पशन होती है वो स्कोप ऑफ द थ्योरी को बता रही होती है कि थ्योरी किन सर्कमस्टेंसेज में वैलिड है अदरवाइज नहीं। जैसे हम कहते हैं कंज्यूमर थ्योरी वैलिड है बशर्ते कि सारे इंसान क्लोन्स हो। जैसे ही मैं एक रियल वर्ल्ड में आऊंगा जहां क्लोन्स नहीं है तो फिर ये थ्योरी खुद ही बता रही है कि मैं इस दुनिया के लिए मुतल्लिक नहीं हूं। फ्रीडमैन ने इन दोनों को मिक्सअप कर दिया। ये तो फिजिक्स से मिसाल है, इसको छोड़ दें। तीसरी असम्पशन वो होती है जिनको ह्यूरिस्टिक असम्पशंस कहते हैं। ह्यूरिस्टिक असम्पशंस आर इंटरप्रिटेटिव टूल्स, यानी मैं एक ब्रॉड थ्योरी बनाने की तरफ स्टेपिंग स्टोन के तौर पे पहले एक बहुत ही सिंप्लीफाइंग मॉडल सॉल्व करता हूँ, बाद में फिर उसको जनरलाइज करता चला जाता हूँ असम्पशंस गिरा गिरा के। जैसे आप अपना एक टिपिकल मैक्रो मॉडल जब लिखते हैं तो आप कहते हैं कि ओके देयर आर फोर सेक्टर, ओके बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन ओनली टू, हाउस होल्ड एंड प्राइवेट सेक्टर, एंड लेट्स सी हाउ जीडीपी इज डिटरमाइंड इन दिस मॉडल, और आप एग्रीगेट सप्लाई को भी उसमें हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। तो आप उसके अंदर फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालते हैं नोइंग द फैक्ट कि अभी आपने जी को डेलिबरेटली इग्नोर किया है। वहां से आप एक जो है मल्टीप्लायर की एक वैल्यू निकाल लेते हैं जो 1/1 माइनस सी आ जाता है ना,
वहां से फिर आप मजीद मॉडल को जनरलाइज करते हैं, आप उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी शामिल करते हैं, तो आपका मॉडल ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है कि आप टैक्स भी आ गया। फिर आप उसमें फॉरेन सेक्टर को ऐड करते हैं तो मॉडल और ज्यादा मतलब बेहतर हो जाता है। फिर आप उसमें मनी मार्केट ऐड करते हैं तो वो और बेहतर होता है। फिर लेबर मार्केट ऐड कर लेते हैं तो वो लेबर सप्लाई वहां से एग्रीगेट सप्लाई कर भी आ जाता है। एंड इन दिस फॉर्मुलेशन नाउ यू हैव ए बेटर मॉडल। आ रही है ना बात समझ में? यानी आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे असम्पशंस को रिलैक्स करते जा रहे हैं, आपका मॉडल ज्यादा डिस्क्रिप्टिव और रियलिस्टिक होता चला जाता है। इन मानों में इन असम्पशंस को जो आपने शुरू में लगाई होती हैं कि अच्छा गवर्नमेंट नहीं है, फॉरेन सेक्टर भी नहीं है, मनी मार्केट भी नहीं है, आपको पता होता है कि मैं ये असम्पशन लगा रहा हूँ, बाद में गिराऊंगा मेरा मॉडल और बेहतर होगा। तो दीज आर ह्यूरिस्टिक असम्पशंस जो आप स्टेपिंग स्टोन के तौर पर इम्पोज करते हैं और बाद में खुद ही गिरा गिरा के अपने मॉडल को बेहतर कर लेते हैं। तो ये तीन तरह की असम्पशंस होती हैं। अब जाहिर है कंज्यूमर थ्योरी के अंदर बहुत सारी असम्पशन ऐसी हैं जो यानी डोमेन असम्पशन से मुतालिक हैं। फ्रीडमैन ने क्या किया कि नेग्लिजिबल असम्पशन को और डोमेन असम्पशन को एक ही सफ में लाके खड़ा किया और उसने कहा असम्पशन आर इररिलेवेंट। उसकी ये बात दुरुस्त है फॉर नेग्लिजिबल असम्पशन, नॉट फॉर डोमेन असम्पशन, बिकॉज डोमेन असम्पशन डिफाइन द स्कोप द कंडीशन व्हेन द थ्योरी होल्ड्स and the conditions when it basically does not hold. Friedman basically ignored this fact aur usne wo criticism jo domain assumptions ke upar tha usko negligible assumptions ki matlab ye ke naam ke upar pesh karke apne aap ko goya instrumentalism ke libade mein odha kar apne aap apne upar aur bacha kar le jane ki koshish ki economic theory ko जो ठीक यानी तर्ज अमल नहीं था उसका। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज बेसिकली रिटन हियर कि उसकी जो इंस्ट्रूमेंटलिज्म है वो वैलिड है सिर्फ निग्लिजिबिलिटी असम्पशन के लिए। अच्छा, ये अब फाइनेंशियल मार्केट की एक एप्लीकेशन थी विद आई एम लीविंग एनी हाउ। सो बावजूद ये के जो हमारे फ्रीडमैन भाई की ये क्रिटिसिज्म थी वो 1980s के अंदर डेवलप हुई, लेकिन आज भी इकोनॉमिक थ्योरी उसी तरीके से चल रही है डिस्पाइट ऑल इट्स यानी क्रिटिसिज्म, इट्स एनामलीज। और चूंकि अभी कोई ऐसा वजह नजर नहीं आ रही कि हमें ये ऑल टुगेदर चेंज हो जाए, अगर के डिप्रेशन ये जो आया था रिसेशन, फाइनेंशियल रिसेशन, उसके बाद थ्रेट महसूस हुई है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स को कि इसकी फाइनेंशियल साइड का एनालिसिस बहुत कमज़ोर है, तो अब उसके अंदर कुछ ना कुछ इकोनॉमिस्ट लगे हुए हैं दूसरों से बोरो करने और अपने मॉडल को इम्प्रूव करने, DSG मॉडल्स जिन्हें वो कहते हैं, उसके अंदर अब वो मनी फाइनेंशियल मार्केट्स को भी लेकर आ गए हैं। एनी हाउ, ये यानी एक बहस है जो चलती रहती है कि हाउ बेसिकली Science goes and we have seen how economics is basically going on. Science को इतना यानी simplifying phenomena नहीं है जितना उसको समझा जाता है। तो we end up our discussion here और इंशाल्लाह हम जुमेरात वाले दिन 12 बजे क्लास रखते हैं। ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम।